हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय किचन रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल मिठाई, क्योंकि मिठाइयों के ये त्यौहार आ रहे हैं। तो आज हम बनाएंगे कलाकंद, जो कि सबको बहुत ही पसंद आता है और ये बहुत आसानी से बन जाता है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमने एक भगोने में 1.5 लीटर दूध लिया है, इधर कढ़ाई में 0.5 लीटर दूध लिया है, तो टोटल हमने 2 लीटर दूध का यूज़ किया है यहाँ पे। अब इन दोनों को हम गैस पे चढ़ा देंगे और इसे बराबर चलाते रहेंगे दोनों साइड में। जो भगोने में दूध है इसे अच्छे से खौलाएंगे और इसका पनीर बनाएंगे, और जो कढ़ाई में दूध है इसको हम गाढ़ा कर लेंगे एकदम रबड़ी के जैसा। तो पनीर फाड़ने के लिए हमने 2 नींबू का रस निकाल लिया था और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया था। तो दूध हमारा अच्छे से खौल चुका है, अब हम नींबू का रस इसमें डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके और इसे चलाते रहेंगे। आप चाहें तो इसके जगह पे 2 चम्मच विनेगर भी डाल सकते हैं। ये दूध हमारा हल्का हल्का फटने लगा है। तो ये दूध अब बहुत अच्छा फट चुका है। अब हम एक छन्नी लेंगे, उसमें पतला कपड़ा डालेंगे और उसको छान लेंगे। आप कोई भी कॉटन का पतला कपड़ा ले लें, जिससे कि पानी आसानी से निकल जाए। अब इसमें पानी डाल के इसे अच्छे से धुल लेंगे, ताकि इसका खट्टापन सारा निकल जाए। और इसको उठा के इसे थोड़ा सा दबा के इसको निचोड़ देंगे। और जो इसका पानी बचा हुआ है, आप चाहें तो इससे आटा गूंथ सकते हैं। और इस तरीके से इसे छन्नी में डाल के रख देंगे, ताकि जो इसमें थोड़ा बहुत पानी बचा है वो निकल जाए। इधर कढ़ाई में जो दूध है इसको भी हम चलाते रहेंगे बीच बीच में। तो हमने यहाँ पे एक थाली ली है, उसमें ये पनीर डाल लेंगे। तो ये पनीर हमारा बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही सॉफ्ट है। इसको हम पोटैटो मैशर से या फिर हाथों की मदद से थोड़ा सा मैश कर लेंगे, जिससे कि कलाकंद हमारा बहुत ही अच्छा बनेगा। तो ये हमारा मैश हो चुका है, बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है इसको। इधर दूध भी हमारा गाढ़ा हो चुका है, अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। तो हमने यहाँ पे 1/2 कटोरी से भी कम चीनी ली है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो थोड़ी चीनी और डाल लें। थोड़ा थोड़ा चीनी डाल के इसको चलाते रहेंगे। तो चीनी अब गल गई है, अब इसमें पनीर डाल देंगे। इसे 5 मिनट के लिए अच्छे से चला के मिक्स कर लेंगे, जिससे दोनों चीजें आपस में अच्छे से मिल जाए। तो कलाकंद बन के हमारा रेडी है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे एक कंटेनर में निकाल लेंगे। थोड़ा सा इसमें घी लगा के गार्निश कर लेंगे, जिससे कि कलाकंद इसमें चिपके ना। आप चाहें तो इसकी जगह पर ट्रे या फिर कोई प्लेट भी ले सकते हैं। अब हम इसमें निकाल लेंगे इसको। इसे अच्छे से पूरे कंटेनर में फैला देंगे। अब हम थोड़ा ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर लेंगे। हमने यहाँ पे बादाम और पिस्ता को बारीक काट लिया था। थोड़ी सी चिरौंजी भी डालेंगे इसमें। आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद है आप वो डालें, जो नहीं पसंद है वो स्किप कर दें। और इसे 1/2 घंटा के लिए रूम टेम्परेचर पे इसे ठंडा कर लेंगे, उसके बाद इसके पीसेस कट कर लेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा कलाकंद बना है, आप इसे जरूर ट्राई करें, ये बहुत ही सॉफ्ट बना है। ये देखिए, ये बहुत ही सॉफ्ट है, आसानी से ये बन जाता है, इसमें कोई भी झंझट नहीं करना पड़ता है। दिखने में ये बिल्कुल बाजार जैसी और खाने में ये बहुत ही टेस्टी है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर ये रेसिपी आपको हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें।